मॉर्निंग गाइस, फिर से एक नए व्लॉग में स्वागत करता हूँ। तो जस्ट उठा हूँ, मैं भी उठ के वो क्या बोलते हैं उसको, कोल्ड किट नहीं है मेरे पास, तो अभी मैं जा रहा हूँ कोल्ड किट लेने के लिए। तो बिस्तर से उठ के ब्रश करने के लिए देखा तो कोल्ड किट नहीं है भाई, उन लोग के पास भी नहीं है, तो कोल्ड किट लेने जा रहा हूँ मैं अभी। स्कूटी भी एक ही साथ लेके आ जाऊंगा इधर रूम में, स्कूटी जहाँ पे पार्क है वहाँ वहाँ ले उसको लेके क्या बोल रहा हूँ स्कूटी भी लेके आ जाऊंगा उनके साथ, उनके लाने जा रहा हूँ तो स्कूटी रख दूंगा रूम का सामने। कॉलेज यहाँ से निकल जाऊंगा, तो अभी चलता है कोलगेट और स्कूटी लाने। कोलगेट ले लिया, अब चलता है स्कूटी लाने के लिए। एक बार मैं कोलगेट ले लिया, अभी स्कूटी लेके सीधा निकल जाऊंगा रूम में, फिर वो मैगी वगैरह है वही मैगी खा के निकल जाऊंगा मैं कॉलेज के लिए। और एक घंटा है कॉलेज के लिए, आराम से फ्रेश वगैरह होके खा पी के निकलूंगा। अभी पहले स्कूटी ले लेता हूँ, स्कूटी लेके निकलता है। स्कूटी लेने पहुंचा यहाँ पे, प्रॉब्लम है कि मैं अभी स्कूटी निकालू कैसे, गाड़ी पार्क है इधर किसी का, उस तरफ गेट बंद है, एक ही गेट है। अब मेरे को करना पड़ेगा वेट, पता नहीं किसका कार है, ना ही मैं इस इधर रहता हूँ इस बिल्डिंग में, ना ही मैं किसी को जानता हूँ, इसको बुला भी नहीं सकता। अब वेट करना पड़ेगा जब तक के लिए एक गाड़ी हटता है यहाँ से, उसके बाद ही मैं स्कूटी निकाल पाऊंगा। स्कूटी में धूल वगैरह है वो साफ कर लेता हूँ तब तक, फिर स्कूटी सीधा रूम में लेके तब मिलता हूँ। चलो, इस गैप से स्कूटी निकाल रहा था, यहाँ पे जो गैप है ये गेट और इसका बहुत बढ़िया, मैं फंस गया हूँ, ना मैं निकाल सकता हूँ ना मैं पीछे जा सकता हूँ। एक ही तरीका है इस गाड़ी को हटाने का, फंस गया बहुत गंदा। सुबह बस ये मकान मालिक का गाड़ी है बोला मेरा दोस्त, तो अभी रुकना पड़ेगा यार, फंस गया। तो दोस्त को बुलाया, वो देखता हूँ मकान मालिक को बोल के। भाई मैं लिटरली इस गैप से स्कूटी निकाल रहा हूँ, देख तो डर लग रहा है किसी का गाड़ी में लगू गया तो खत्म, लगा नहीं, वो गेट में फंस रहा था, फिर दोस्त आके हेल्प कर दिया, तो अभी निकल गया है स्कूटी जैसे तैसे करके, क्योंकि मकान मालिक अभी रूम में ही नहीं है, तो मैं अभी निकाल भी नहीं सकता स्कूटी बिना गाड़ी को खिलाए, तो अभी निकल गया और जैसे तैसे। चलो हो गया, अब मैं जाता हूँ रूम में फ्रेश वगैरह होके खा पी के कॉलेज के लिए निकलूंगा अभी। लेट्स गो। अभी मेरे को कुछ बोलना नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा ये सब क्या है, मैं यहाँ पे कैसे पहुँचा, कॉलेज छोड़ के मैं ये सब क्या कर रहा हूँ मैं बताऊंगा जब मैं यहाँ से निकलूंगा। फिर के लिए बस देखो क्या हो रहा है। तो आप लोगों ने जो भी देखा वो सब वीडियो क्लिप, तो मैं कॉलेज के लिए रेडी हो रहा था, तभी मेरे दोस्त ने कॉल किया, दोस्त ने कॉल करके बोला कि रैली में जाएगा, मतलब यहाँ पे शिलोंग में मेघालय में रैली हो रहा है, इलेक्शन चल रहा है यहाँ पे, तो इलेक्शन का रैली हो रहा है, तो उसके लिए वो बोला रैली में जाएगा तो चल पैसा वगैरह मिलेगा, तो इसलिए मैं रैली पे चला गया था। तो फिर जो मेरा रेंट में जो रूममेट है मेरा, उसके साथ मैं रैली पे गया था मेरा स्कूटी लेके, तो स्कूटी गाड़ी जो भी है वो लोग रैली ज्वाइन कर सकता है, फिर फ्यूल वगैरह का पैसा मिलेगा, फिर थोड़ा बहुत मिलेगा पैसा रैली पे जाने का। तो उसके लिए मैं आज कॉलेज नहीं गया, सीधा दोस्त के साथ दोस्त बुलाया था तो रैली में चला गया, सोचा थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता हूँ, लेकिन फिर प्रॉब्लम हो गया, हम लोग लेट हो गया वहाँ पे तो पहुँचने में, तो जो एंट्री करना था मतलब गाड़ी का वो नंबर प्लेट वगैरह वो सब हम लोग ने एंट्री करने में हमको लेट हो गया, तो इसलिए हम लोग का हुआ नहीं। हम लोग गए फिर उन लोगों ने बोला कि लेट हो गया, फिर मौका नहीं होगा अभी,
तो कल भी रैली है पर कल होने से कल जाऊंगा मैं, आज तो नहीं हुआ, तो अभी मैं जा रहा हूँ ग्रुप में। और यहाँ पे रैली का और एक प्रॉब्लम है, मैं मेरे लिए कि मेरा स्कूटी है लेकिन मैं यहाँ का नहीं हूँ, तो मुझे कुछ पता ही नहीं है यहाँ के बारे में, यहाँ का MLA कौन है, मैं किस किसके लिए, कौन सा कैंडिडेट के लिए मैं जा रहा हूँ रैली में, कुछ पता ही नहीं है, तो इसलिए मैंने जाके भी कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसी और मैं गया भी तो दो के साथ तो एक ही जन को मिलेगा, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, अब बस अपना स्कूटी दे दूंगा दोस्त को, वो जाएगा कमा के आ जाएगा, जो भी मिलेगा मैं थोड़ा सा ले लूँगा, स्कूटी दिया बोल के और क्या, कि मैं जाके तो फ़ायदा है नहीं, मेरे को कुछ पता नहीं है। तो ये तो पहुँच गया मैं अभी रूम, तो चलो निकले रखते हैं। तो मेरा रूममेट अभी बाहर निकल के गया, मतलब वो रैली में गया, मैं उसको स्कूटी देके मैंने उसको भेज दिया, बोला मैं नहीं जाऊंगा और मैं जाके भी क्या करूंगा वैसे भी, तो वो गया है, मैंने उसको स्कूटी दे दिया है। तो अभी मेरे को भूख लगा था तो मैंने ये बनाया, पता नहीं क्या कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं क्या कहते हैं इसके ऊपर, ये आलू और एग फ्राई, और यहाँ पे राइस बन रहा है, ये रेड राइस है, पता नहीं क्या लोग का कुछ लोकल है, पता नहीं खाके तो नॉर्मल जैसे लगता है लेकिन पता नहीं कलर रेड क्यों है। तो मैं अभी खाना बना रहा हूँ, और ये मेरा रूममेट जो है इधर वो गया है रैली में, तो मेरे को बोला खाना वाना बना के रखने, वो आके खाएगा शायद, तो मैं अभी खाना होने के बाद मैं खा लूंगा, मेरा वो सब्जी हो गया है बस, वो राइस होना बाकी है, वो होने के बाद मैं खा पी के मस्त से सो जाऊंगा, कुछ काम नहीं है, आज कॉलेज भी मिस हो गया रैली के चक्कर में, कल तो नहीं करूंगा मिस, कल चला जाऊंगा कॉलेज, ये सब रैली वैली का चक्कर है, पढ़ा तो खत्म, पैसा मिलता है लेकिन फिर भी। चलो गाइस खाना खा के मिलते हैं। तो अभी मेरा दोस्त आ चुका है रैली करके, उसका भी नहीं हुआ, बोला मतलब आज हुआ ही नहीं, वो रैली के लिए गया था तो बोला आज नहीं होगा और कल जाएगा वो वापस से, तो अभी वो स्कूटी वूटी लेके आ गया है, तो मैं जाता हूँ, मेरा काम अभी स्कूटी पार्क करना, स्कूटी बाहर ही है अभी रूम का बाहर, तो मैं जाके पहले स्कूटी पार्क कर देता हूँ, फिर तो कुछ काम है नहीं, तो ये मेरा लास्ट काम है आज का, स्कूटी पार्क करके आ जाता हूँ। तो इस ब्लॉग को आज यही खत्म करते हैं, मिलते हैं कल फिर से एक नए ब्लॉग में, ओके गाइस बाय बाय।